फिल्मी न्यूज का 60 सेकंड एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले रामायण मूवी के लिए अमेरिकन प्रोडक्शन हाउस वार्नर ब्रदर्स के साथ डिस्कशन चल रहे हैं इस ट्रिलेजी को प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, जिससे कि इस मूवी को एक बड़ा इंटरनेशनल रिलीज मिल सके और इस मूवी के बजट में और सपोर्ट मिल सके। और डीन ने के सीईओ नमित मल्होत्रा लीड कर रहे हैं इस मीटिंग को वार्नर ब्रदर्स के साथ, और डीन ने इस मूवी का VFX भी करने वाला है। और इस मूवी का अनाउंसमेंट आपको 17 अप्रैल को देखने नहीं मिलने वाला है, और इसकी अनाउंसमेंट आपको 2 महीने बाद देखने मिलेगी। उसके बाद रजनीकांत की जेलर 2 के लिए एक नए टाइटल को कंसीडर किया जा रहा है, और वो है हुकुम। और डायरेक्टर नेल्सन इसकी शूटिंग एंड ऑफ 2024 या फिर अर्ली 2025 में शुरू होगी, और अगर हुकुम कंसीडर नहीं किया तो जेलर 2 को कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद वॉर 2 के लिए डायरेक्टर एन मुखर्जी एक मेजर फाइट सीन को प्लान कर रहे हैं ऋतिक रोशन एंड जूनियर एंटर के बीच में, और ये एक प्राइवेट जेट पे होने वाला है और एक एयरक्राफ्ट के रूफ पे भी होगा, और इसके साथ चेस सीन्स होने वाले हैं ऑन ट्रेन्स, याचिस एंड स्पीड बोट्स। उसके बाद यश एंड नमित मल्होत्रा को प्रोड्यूस करने वाले हैं रामायण मूवी को, जहां पर यश की प्रोडक्शन हाउस मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस एंड नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस डायरेक्टर नितेश तिवारी के साथ मिलकर इस मेगा बजट ट्रिलॉजी को प्रोड्यूस करेंगे। और नमित मल्होत्रा डीन नेक की सीईओ भी है, जो कि एक VFX कंपनी है जो कि रामायण का VFX करने वाली है। उसके बाद प्रभास की नेक्स्ट मूवी जो कि डायरेक्टर हनु राघव पुरी के साथ होने वाली है, वो एक पीरियड एक्शन फिल्म होने वाली है विद अल्टर्ड हिस्ट्री के साथ, यानी कि उसकी स्टोरी की हिस्ट्री को थोड़ा चेंज किया जाएगा। उसके बाद अनिल कपूर ज्वाइन करते हैं वायरस स्पाई यूनिवर्स को, और वो रॉ चीफ का रोल करने वाले हैं इन मल्टीपल मूवीज, स्टार्टिंग फ्रॉम आलिया भट्ट की स्पाई मूवी में और उसके बाद वॉर 2 में, और वो गिरीश कर्नाड की जगह लेने वाले हैं इस स्पाई यूनिवर्स में। उसके बाद बॉबी देओल लीड करने वाले हैं इन डायरेक्टर अनुराग कश्यप की थ्रिलर मूवी को, और ये एक ट्रू स्टोरी पे रिवॉल्व करती है, जहां पर एक आदमी एलिजेटली एक फेक रेप केस में इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद अक्षय कुमार कैमियो करने वाले हैं इन विष्णु मंचू की कन्नप्पा मूवी में। उसके बाद राघवन लॉरेंस की न्यू मूवी का टाइटल रखा गया है हंटर, डायरेक्टेड बाय वेंकट मोहन। उसके बाद करीना कपूर खान यश की सिस्टर का रोल करने वाली है इन टॉक्सिक मूवी, डायरेक्टेड बाय गीतू मोहनदास, और 10 अप्रैल 2025 में रिलीज होने वाली है। उसके बाद राघवन लॉरेंस की नेक्स्ट मूवी का टाइटल रखा गया है बेंस, डायरेक्टेड बाय बेकेन राजा कन्नन, स्टोरी बाय लोकेश कनगराज। उसके बाद नयनतारा लीड करने वाली है अलॉन्ग साइड नवीन पॉली इन डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टेड बाय जॉर्ज फिलिप रॉय एंड संदीप कुमार। उसके बाद प्रभास की फिल्म कल्कि 2098 AD की टीम प्लान कर रही है 20 जून 2024 को रिलीज करने की। उसके बाद सलमान खान एंड एयर मुर्गदोस की मूवी का टाइटल रखा गया है सिकंदर, और ये ईद 2025 में रिलीज होने वाली है। उसके बाद तलपति विजय की मूवी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रिलीज होने वाली है 5 सितंबर 2024 को, डायरेक्टेड बाय वेंकट प्रभु। उसके बाद ममूती की नेक्स्ट मूवी टर्बो रिलीज होने वाली है 13 जून 2024 को, डायरेक्टेड बाय वक्ष। उसके बाद राजकुमार राव एंड जानवी कपूर की मूवी मिस्टर एंड मिसेज माही रिलीज होने वाली है 31 मई 2024 को, डायरेक्टेड बाय शरण शर्मा। उसके बाद पृथ्वीराज सुकुमार बसील जोसेफ की मूवी गुरुवायूर अम्बलन नदईल रिलीज होने वाली है इन मई 2024, डायरेक्टेड बाय विपिन दास। उसके बाद जानवी कपूर गुलशन देवैया एंड रोशन मैथ्यू की मूवी उलझ रिलीज होने वाली है इन 5 जुलाई 2024, डायरेक्टेड बाय सुधांशु शरण। उसके बाद वेंकटेश एंड डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी की नेक्स्ट मूवी संक्रांति 2025 में रिलीज होने वाली है। उसके बाद सिंगम अगेन वर्सेस पुष्पा 2 द रूल का क्लैश नहीं होने वाला है, और सिंगम अगेन अभी दिवाली वीकेंड पे रिलीज करने की प्लानिंग कर रही है। उसके बाद वरुण धवन कीर्ति सुरेश की मूवी बेबी जॉन पोस्टपोन हो गई है और अब रिलीज होने वाली है इन जून या फिर जुलाई 2024 को, और ये डायरेक्टेड बाय खलीस। उसके बाद नित्या मेनन की नेक्स्ट मूवी का टाइटल रखा गया है डियर एक्सिस, डायरेक्टेड बाय कामिनी। उसके बाद अंकिता लोखंडे लीड करने वाली है एक वेब सीरीज को, टाइटल अमरापली, डायरेक्टेड बाय संदीप सिंह। उसके बाद दुलकर सलमान की नेक्स्ट मूवी लकी भास्कर का टीजर रिलीज हो गया है और मूवी जुलाई 2024 में रिलीज होने वाली है, डायरेक्टेड बाय वेंकी अतलूरी। उसके बाद हीरा मंडी द डायमंड बाजार का ट्रेलर रिलीज हो गया है और 1 मई 2024 को ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, डायरेक्टेड बाय संजय लीला बंसाली। उसके बाद पुष्पा 2 द रूल का टीजर रिलीज हो गया है और ये 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली है, डायरेक्टेड बाय सुकुमार। उसके बाद राजकुमार राव की नेक्स्ट मूवी श्रीकांत का ट्रेलर रिलीज हो गया है, को स्टारिंग ज्योतिका एंड शरद केलकर, और ये 10 मई 2024 को रिलीज होने वाली है, डायरेक्टेड बाय तुषार हिरंदानी। तो आपको ये अपडेट्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसे और वीडियोस देखने के लिए, और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।